आज तक के मैंने जितने ब्लॉग अपने चैनल पे बनाए उन सब के लिए मैं बहुत चला, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा चला, बट इस पर्टिकुलर ब्लॉग बनाने के लिए मुझे आज तक के सबसे ज़्यादा चलना पड़ा। ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ गूगल मैप। मैं जा रहता हूँ, मुझे वहाँ से पता चला कि घर बहुत पास है, 2-3 किलोमीटर्स, बट जब मैंने गूगल मैप में डाला वॉकिंग मोड पे तो ये हो गया 6.4 किलोमीटर। तो इसी के साथ वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अगर आप सोच रहे हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ कुछ लोग सॉल्ट बना रहे हैं, दिखाता हूँ। अगर आप सब सोच रहे हैं पास से दिखाऊं तो ये देखिए, ये है सॉल्ट, ऐसे होता है सॉल्ट। अब ये बनता कैसे आई डोंट नो, बट यहाँ मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर किसी वजह से लास्ट शॉट देख के आपको ये लग रहा है कि मैं आपको सॉल्ट फैक्ट्री दिखाने आया हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको सॉल्ट फैक्ट्री दिखाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कुछ और देखने आया हूँ। रास्ते में ये लोग दिख गए तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, अब आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ इस ब्लॉग से। मैं आया हूँ भांडू पंपिंग स्टेशन। इस जगह का नाम सच में यही है, बट ये जगह पंपिंग स्टेशन के लिए फेमस नहीं है, ये जगह है फेमस फॉर बर्ड वॉचिंग। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बर्ड दिखते हैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। लेट्स चेक कि आज मेरा नसीब कितना अच्छा है और मैं कितने बर्ड्स देख सकता हूँ और आपको भी दिखा सकता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे आने के लिए टिकट भी लगेगा, तो ये है टिकट हाउस और ये है टिकट, पर पर्सन 50 रुपीज है यहाँ आने का। तो आप जब इस साइड से आए, यहाँ पर टिकट घर है और यहाँ पर आते आपको एक साइन मिलेगा, आपको जाना है अंदर, ना कि वहाँ चले जाना, वहाँ नो एंट्री है। जैसे मैंने आपको बताया इस जगह का नाम है भांडू पंपिंग स्टेशन, तो पंपिंग स्टेशन यहाँ है, वहाँ हमको नहीं जाना है, हमको जाना है इस रास्ते पे। गाइस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आया, मैं ऐसे चल के आया हूँ और यहाँ पर मुझे खंडर मिल गया है। अब मैं यहाँ से आगे जाने वाला था, बट मेरा दिल कर रहा है कि मैं अंदर आ जाऊँ, तो अंदर से कुछ ऐसे दिखता है, छोटा सा बस एक कमरा है, एक और है, वहाँ भी जाता हूँ। दूसरा रूम तो अंधेरा है, पता नहीं शायद यहाँ कोई रहता है, मे भी कोई केयर टेकर रहता होगा। एक और रूम है, वो भी देख लेते हैं। तो अभी तीसरा वाला घर एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं सब टूटा हुआ है, तो मुझे लगता है मुझे आगे जाना चाहिए अब। तो भाई और बहनों, ये रहा हमारा फर्स्ट बर्ड साइटिंग। पता नहीं कौन सा बर्ड है, बट जो भी, थैंक यू बर्ड अच्छा शॉट देने के लिए और समझने के लिए। तो कुछ टाइम यहाँ वेट करने के बाद, यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो छोटा प्रॉब्लम है, पहले आप थोड़ा भी मूव करते हैं तो वो उड़ जाते हैं, और सेकंड प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि मैं उससे अपने फ़ोन के कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज अगेन मैं थोड़ा भी मूव होता हूँ, थोड़ा मोमेंट दिखाता हूँ तो वो बर्ड डर के उड़ जाती है। बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि कुछ और बर्ड्स मैं कैप्चर कर लूँ। आगे बढ़ते हैं। कह सकते हैं कि ये मेरा एक टाइप का सिग्नेचर मूव बन गया है, आई गेस बन गया है। तो इस खूबसूरत रास्ते पर रुककर मैं एक काम करना चाहता हूँ जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में नहीं करा। मैं यहाँ देना चाहता हूँ शॉर्ट आउट अपने 3 क्रिएटर फ्रेंड को। सबसे पहले है योर ABR आशु मैम आपको, उसके बाद हर्षद ऑन वेब हर्षद भाई आपको, और सैसी गिल, आई गेस यही नाम है उनके चैनल का, रजनी मैम, आप तीनों को मेरी तरफ से बिग शाउट आउट। यस, ये शॉर्ट आउट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में एक वर्ड यूज़ किया था प्रॉबली 13 बार, जिसमें से मैंने सिर्फ 11 बार पॉइंट आउट किया था। तो मुझे देखना था एक्चुअल में मेरे वीडियो कौन कितने गौर से देखता है, और मैंने ये डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछा था, तो ऐसे बहुत सारे मुझे कॉमेंट आए, बट ये तीनों ने एकदम सही कहा। माई शॉर्ट आउट टू यू गाइस, थैंक यू सो मच।
तो यहाँ पे ये बोर्ड लगाया और ये बोर्ड के हिसाब से ये जो ब्लू वाले साइन बर्ड है ये और ये माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये हमारे लोकल बर्ड्स हैं। ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मोबाइल इज़ द परफेक्ट कैमरा फॉर यूट्यूब, बट आप अगर ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ आपको जूम की ज़रूरत होती है, अच्छे लेंस की ज़रूरत होती है, बस यहीं ये कैमरा यानी मोबाइल फ़ोन मार खा जाता है। ऐसे वीडियो व्लॉग के लिए आपके पास एक प्रॉपर DSLR और लेंस होना चाहिए। आई डोंट नो यहाँ पर कुछ ऐसे होगा तो मैं तैयारी करके आता, बट मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कुछ और बर्ड जिसमें फिर से वही ब्लू वाले माइग्रेटरी है, ग्रीन वाले अपने लोकल बर्ड्स हैं। अब आप ऐसे मत समझना कि मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ आपको, बट मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो क्या रहा है कि मेरे मोबाइल में जूम है, बट वो जूम करने के बाद जिसे आपने पहले भी देखा होगा स्क्रीन ऐसे फट जा रही है, तो वो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बहुत सारे बर्ड यहाँ देख भी पा रहा हूँ, बट वो प्रॉपर कैप्चर DSLR विद गुड लेंस ही होंगे, क्योंकि किसी वजह से मैं इस मोबाइल से नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई एम श्योर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ये है बर्ड वॉचिंग टावर। एंड यस, मैं इस पर चढ़ूंगा अभी। मैं चढ़ गया। तो मुझे लगता है मेरे इस ब्लॉग का हाईलाइट पॉइंट ये है, बिकॉज़ यहाँ से नज़ारा बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे दिख रहे हैं यहाँ से। अब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ उस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये देखो, ये लिटरली ऐसे दब रहा है और पूरा प्लेटफॉर्म हिल रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ आना मेरा टोटल फेल नहीं हुआ, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ यहाँ पर कुछ बर्ड्स है और यहाँ भी कुछ बर्ड्स है। अगर मेरे पास अच्छा कैमरा लेंस होता तो प्रॉब्ली मैं इसको प्रॉब्ली एक बार आ गया, दो बार आ गया तो मैं अच्छे से कैप्चर कर, बट आप ये वाला बर्ड देख रहे हो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, क्योंकि इतने दूर से भी मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, तो शायद मैं आगे जाऊँ यहाँ पर। है नाउ द मोमेंट, मुझे यहाँ से नीचे उतरना है, बट डर लग रहा है। मेरा फेस देख के आपको लग रहा होगा मैं बहुत खुश हूँ, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, ये ऐसे पकड़ के उतर सकते हैं ऐसे ऊपर से नीचे, बट अब आगे कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ 50 फुट ऊपर हूँ और अब मुझे सीधा ऐसे उतरना है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं है, तो पता नहीं मैं कैसे उतरूँगा। अब हम 100% श्योर आपके दिमाग में भी वही सवाल आ रहा होगा जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये पागल ऊपर चढ़ा क्यों। अरे मैं उतर गया, मतलब ये व्लॉग अब आएगा। और बाय द वे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ शूट हो रही है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने व्लॉग में लगा हूँ। यहाँ आने से पहले मैं ये सोच रहा था पता नहीं मुझे बर्ड्स दिखेंगे नहीं दिखेंगे, बट बिलीव मी यहाँ पर इतने सारे बर्ड्स है, और यहाँ आने का एंट्री फीस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 50 rupees है, बिलीव मी वो वर्थ है। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं तो मैं इस जगह का गूगल मैप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर आना, 50 rupees आपके वर्थ है। दूसरी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जगह हेवन जैसी है। आई एम श्योर मैंने ये दिखाने में जस्टिस किया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में इतना ही रखना चाहिए। किसी भी वजह से अगर आपको मेरी बातें, मैंने जो इस व्लॉग में किया हूँ आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं हूँ आपका फ्रेंड शोभी शोभू, आपको कोई ऐसे ही और व्लॉग में मिलूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आज तक अपने चैनल पे, तो अभी आपने जो मेरे पे, तो इस ब्यूटीफुल, तो एक खूबसूरत रास्ते,